तोहना पुलिस की क्राइम यूनिट 5 ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को उस समय काबू किया जब आरोपी अवैध हथियार के साथ चोरी की गई बाइक को लेकर जा रहा था। आरोपी ने पूछताछ में चोरी की 4 अन्य वारदातों को भी कबूल कर लिया है और पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी कर छिपाई गई 4 बाकी बाइकों को बरामद कर लिया है। कंसल मोड पर नाका लगा रखे थे सी स्टाफ ने, वहाँ पर मिला इससे एक उस दिन एक चोरी की बाइक और एक देसी कट्टा जो लोगों को डरा कर बाइक चोरी करके ले जाते हैं। और कल ड्यूरिंग पुलिस रिमांड के दौरान हमने इससे 4 बाइक और बरामद की है, जिसमें एक साथी और है इसका जो मेवात पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, उससे सरगना है इनका, तो उससे भी हमने पुलिस रिमांड पर लेकर उससे भी कुछ बाइकें और बरामद करें। आपको बता दें कि क्राइम टीम की गिरफ्त में खड़े इस आरोपी की ये चोरी की कोई पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी उक्त आरोपी पर करीब 2 दर्जन चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। वहीं उक्त आरोपी के एक साथी को मेवात पुलिस ने धर दबोचा है। फिलहाल आज आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पर उसे रिमांड में भेजने की मांग की जाएगी। तस्वीरों में जिस युवक को आप पुलिस के सामने कान पकड़े खड़े देख रहे हैं, अब से कुछ समय पहले यही युवक युवतियों पर फप्तियां कस रहा था, लेकिन इतने में पुलिस ने इसे दबोच लिया। इसके बाद इससे क्या करवाया गया, ये आपके सामने है। दरअसल भिवानी में स्कूलों की छुट्टी के बाद लड़कियों से हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने के मकसद से पुलिस ने एंटी रोमियो अभियान चलाया है। इसी के तहत मजनुओं पर अंकुश लगाने की कार्रवाई की जा रही है। जब स्कूल की छुट्टी होती है उस टाइम के ऊपर कुछ शरारती बच्चों के साथ शरारत भरी बातें करते हैं, इसलिए कुछ कर्मचारी सिविल वर्दी में और कुछ आज ड्रेस में मजनुओं के लिए आए थे। एक दो बच्चे सब पूछताछ की गई है। सर, भविष्य में किस प्रकार का अभियान जो है चला जाएगा? निरंतर जारी रहेगा ये, क्योंकि काफी जो है लड़कियां पब्जियों से परेशान होती है। स्कूल के सामने निरंतर इस बात की चेकिंग जारी रहेगी। दिनोद गेट चौकी प्रभारी दशरथ कुमार ने बताया कि शिकायतों के चलते उन्होंने ये अभियान चलाया है और इस दौरान सिविल वर्दी और वर्दी में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि इन मजनुओं के माता पिता को चौकी में बुलाया जाएगा और वार्निंग दी जाएगी।